कहने को तो उत्तराखंड राज्य में विकास हो रहा है, लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तो ये इलाके आज भी विकास से काफी दूर नजर आते हैं। कहीं जगह तो ढंग की सड़कें तक नहीं है, जिस वजह से आए दिन पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती रहती है और कभी कभार तो इन हादसों की वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती है, जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक और घटना की खबर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से सामने आ रही है, जहां एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना पौड़ी जनपद के बेजवाड़ी गांव के पास की बताई जा रही है, जहां एक ट्रक पहले कच्ची सड़क में फंस गया था। ट्रक के वजन के कारण जमीन अपने आप धंसती चली गई और देखते ही देखते ट्रक खाई में जा गिरा। पहले ट्रक का पिछला हिस्सा पहिया सड़क में जा धंसा, जिसके बाद ट्रक खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है खराब सड़क के कारण ये घटना हुई। हालांकि गनीमत रही कि वाहन धंसने से पहले ड्राइवर और हेल्पर उतर गए थे, वरना एक बड़े हादसे होने की संभावना थी। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक के खाई में गिरने का वीडियो अपने फोन में कैद कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बना पुस्ता बेहद ही घटिया गुणवत्ता का है, जिस वजह से बाहरी वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती है। पुस्ता की बेकार क्वालिटी होने के कारण ही ट्रक का पिछला पहिया सड़क में जा धंसा और धीरे धीरे सड़क पर लगा पुस्ता भी खाई में जा गिरा, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रक भी खाई में जा गिरा। वही ट्रक गैरसैंण निवासी जगदीश उर्फ जग्गी चला रहा था। गनीमत ये रही कि वाहन धंसने से पहले जग्गी और हेल्पर उतर गए थे, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया।